2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हिरवाल क्षेत्र से कोसली विधानसभा हल्के से कौन सी पार्टी किसे टिकट देती है और कौन कर सकता है बगावत? मनोज गोयल गोयानिया के सहयोग से एसके गौर द्वारा तैयार किया गया विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उत्तर भारत के राज्य हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेवाड़ी जिले स्थित कोसली विधानसभा क्षेत्र जो अहिरवाल का गढ़ है, 2024 विधानसभा चुनाव में पूर्व की तरह इस बार भी इस अहिरवाल क्षेत्र में दो ही पार्टियों को आमने सामने की लड़ाई रहेगी। यदि बात करें इससे पहले हुए चुनावों में भी तो दो ही पार्टियां आमने सामने रही हैं, चाहे कांग्रेस हवेपा हो या फिर कांग्रेस नेलो। समय के साथ भाजपा अब अपने यौवन पर है, तो इस लिहाज से इस बार भाजपा और कांग्रेस आमने सामने रहेगी। कोसली विधानसभा इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का कोई खास असर नहीं है, जिसमें जसपा, इनेलो व बसपा प्रमुख हैं। जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, तो थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में है। कोसली हलके में आम आदमी पार्टी जिसे टिकट दे सकती है वह है नीरज यादव मोटला, जिसका क्षेत्र में ठीक ठाक रुतबा है। भाजपा से टिकट पाने की चाहत रखने वालों की फेरहस्त लंबी है, जिसमें वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व विधायक मास्टर हुकुम सिंह यादव, विक्रम ठेकेदार, शारदा यादव, बी के यादव गुड़ियानिया एवं पूर्व मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती सिंह राव। एक तरफ जहां वर्तमान विधायक व पूर्व विधायक एवं राजनीति में उच्च कद रखने वाले नेताओं की अच्छी खासी खेप है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सुनने में आ रहा है कि हरियाणा की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी और अहिरवाल की राजनीति करने वाले राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव भी कोसली विधानसभा हल्के से चुनाव मैदान में उतर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो अन्य कद्दावर नेता जो कोसली हल्के से टिकट पाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उनका क्या होगा? एक दो टिकाऊ नेता को छोड़कर अन्य जो कर सकते हैं वह आप जानते हैं। वहीं कांग्रेस के खेमे की फेरियत से कोई छोटी नहीं है। कांग्रेस में टिकट के प्रबल दावेदार पूर्व विधायक राव यादवेंद्र के साथ साथ हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश यादव, मनोज कोसली, संजय बहाला, अनिल पालवास। यदि कोई व्यक्ति अपना घर, गाँव, शहर, नौकरी एवं व्यवसाय क्यों बदलता है? इसलिए कि वर्तमान में वह जो कर रहा उसमें वह संतुष्ट नहीं है एवं उसे और अधिक पाने की इच्छा है। ऐसे में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में टिकट पाने की मंशा से शामिल जगदीश यादव भी एक हैं। कांग्रेस में पहले से ही टिकट की चाह रखने वाले मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं, तो क्या कांग्रेस अपने पुराने नेताओं को नजरअंदाज कर जगदीश यादव को टिकट देगी? यह विचारणीय विषय है। यदि कांग्रेस जगदीश यादव को टिकट देती है तो पूर्व विधायक राव यादवेंद्र क्या करेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। राव के अतिरिक्त मनोज कोसली, संजय बहाला, अनिल पालवास को कांग्रेस की टिकट पाने के लिए 2029 का इंतजार करना पड़ेगा या फिर वही रास्ता जहां चाह वहां रहा। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।